शरीफ यूनिवर्सिटी की तालिबा को अगवा करने की कोशिश का केस, सिंध हाई कोर्ट ने वाकये का खुद नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर, एसएसपी खैरपुर, रजिस्ट्रार और डीआईजी सखर को 28 दिसंबर को तलब कर लिया। अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की तालिबा खुशबू भट्टी के केस में यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को खत। सफदर वसान और दीगर 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। डिसिप्लिन कमेटी के फैसले तक सफदर वसान के यूनिवर्सिटी दाखिले पर पाबंदी आयद। जैसे ही मुतासरान थाने पर आएंगे मुकदमा दर्ज किया जाएगा, एसएसपी खैरपुर का बयान। से खैबर तक बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात का सिंध के बाद केपीके के लिए भी बारिशों का नया अलर्ट। केपीके असला में हफ्ते की रात से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बादलों का राज, सिंध में बादलों की एंट्री। कराची, हैदराबाद, सखर और लाड़काना में बादलों के बायस मौसम मजीद सर्द। क्रिसमस के त्यौहार की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल, गिरजाघरों को खूबसूरती से सजा लिया गया। क्रिसमस ट्री और रीत की चमक धमक सबको मुतवज्जा करने लगी। सरगोधा डिवीजन में मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियों में मसरूफ, गिरजाघरों में सजावट का सिलसिला जारी। बच्चों ने खुसूसी टैबलोस पेश किए, जर्क बर्क लिबास में बच्चे क्रिसमस की खुशियाँ मनाने में मसरूफ। धुंध के बायस ट्रॉलर और मस्ता में टक्कर, हादसे में दो अफराद जा बहक, दो जख्मी। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों को निकाल कर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया, जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरावाला में तेज रफ्तार कार धुंध के बायस बिजली के पोल से जा टकराई, हादसे में कार में मौजूद दो अफराद जा बहक, एक जख्मी। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों और जख्मी शख्स को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पीपी 206 से नून लीगी उम्मीदवार की कामयाबी का हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन से जारी, राणा मोहम्मद सलीम ने जिमनी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से फतह हासिल की थी। फैसलाबाद की तहसील डिचकोट में दोहरे कत्ल की वारदात, शौहर ने बीवी और उसके दोस्त को टोके के वार करके कत्ल कर दिया। मकतूल जिशान डिचकोट का रिहायशी था, पुलिस ने मुलजिम को मौके पर ही आलाय कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। अंबर शदाद कोर्ट की लाड़काना में पिटाई, बिना सरकारी वर्दी में मलबूस, अहलकारों ने दुकानदार को गिरफ्तार करने की कोशिश की, ना वारंट ना ही कोई केस। साथ ही दुकानदारों ने अहलकारों को घेर लिया, पुलिस पार्टी मौका देखते ही वापस चली गई। पुलिस ने जहीरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया, कामयाब कार्रवाई में गैंग का सरबराह जहीर उर्फ जहीरी और 6 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान को पेशेवराना महारत से ट्रेस किया गया, डकैत गैंग के कब्जे से लूटी गई रकम और असलहा बरामद। इंतखाबात में बूट पॉलिश करने वाले बच्चे की आवाज में जादू, घर में गुर्बत के डेरे, बाप बीमार और किफालत की जिम्मेदारी अजय के कंधों पर आ गई। अजय ने ख्वाबों के बस्ते में तालीम की ख्वाहिश को बंद कर दिया।